और मिशन 2022 लई हर सियासी धिर जोर अजमाइश दे विच लगी है। श्रोमणी अकाली दल वालों चोण मुहिम की जिम्मेवारी पार्टी मुखी सुखबीर बादल ने संभाली है। बंगा सने कपूरथला च लोगों के भारी इकट्ठ नूं संबोधन करदे उन्हां 2022 च अकाली दल बसपा जिहड़ा गठजोड़ उहदी जित दा दावा ठोकिया। विधानसभा चोणां दा अखाड़ा सज चुक्या है। उम्मीदवार चोण मैदान दे विच उतार श्रोमणी अकाली दल ने चोण मुहिम पखाई हुई है। अकाली दल मुखी सुखबीर बादल ने चोण मुहिम दा मोर्चा खुद संभालिया होया है। हलका बंगा तो अकाली दल अते बीएसपी दे सांझे उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर सिंह सिक्खी दी चोण रैली दौरान सुखबीर बादल ने माइनिंग तो लैके सरकारी दफ्तरां विच पसरे भ्रिष्टाचार ते सवाल खड़े कीते ने। नाल ही वड्डा ऐलान कर दिता है कि जेकर 2022 विच अकाली दल अते बीएसपी दी सरकार बनती है तां एक उप मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी तो होवेगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, बड़े सोच समझ के जिस चीज की लोड़ है जिदे नाल पंजाब अग्गे वधूगा, नौजवानों तरफ ज्यादा ध्यान दिता है, नौजवानों की पढ़ाई तरफ दिता है, तो सेहत ते हस्पताल की डिवेलपमेंट वास्ते मैं ज्यादा ध्यान दिता है। तो जिस दिन सरकार तुसी बना दोगे पहले ही महीने कैंप ला के सारयां दे फिर तो नीले कार्ड बनाए जाणगे। अकाली दल ने 92 उम्मीदवार चोण मैदान दे विच उतार चोण मुहिम पखाई हुई है। बीजेपी दी थां इस वार भाईवाल बहुजन समाज पार्टी है ते निशाना है सत्ता विच वापसी दा। पर पंजाब दी जनता इस वार जित दा ताज किस दे सिर सजाउंदी है, इसलिए हाले चोण नतीजे दा इंतजार करना पवेगा। न्यूज डेस्क दी रिपोर्ट, जी मीडिया।